यमुनानगर में सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव ने कहा कि एक देश में एक पेंशन, एक देश में एक समान नौकरी और एक देश में समान काम समान वेतन क्यों नहीं है। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी सरकार की नीतियों से काफी नाराज है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए वादों को पूरा करने में विफल रही है। बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ का 15वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन पंचकुला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार की वादा खिलाफी और कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि ये जो लोग इस विचार को, इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे हमारे एक दो सवाल है। एक नेशन और एक इलेक्शन है तो एक देश में एक प्रकार की पेंशन क्यों नहीं? दूसरा ये है कि जो सरकार ने 2014 में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, 5 साल के बाद भी एक भी वायदे पर सरकार अमल करने में विफल रही है। और इसके विपरीत अगर हम देख रहे हैं कि जन सेवाओं का निजीकरण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन रोडवेज है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे बिजली है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, इन सब में जन सेवाओं का निजीकरण करा जा रहा है। तो निश्चित तौर से पूरा प्रदेश का जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व वहां हो रहा है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन का